गाइस ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, देख सकते हो कुणाल सिंह फॉर स्ट्रॉन्ग मैन कैश प्राइस 10,000। तो अगर आप पैसे कमाना चाहते हैं तो आप पैसे कमा सकते हो पावर लिफ्टिंग से भी। गिन लेते हैं 10,000 है कि नहीं। 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10,000 गाइस जाता पॉकेट में। तो ये था गाइस पावर लिफ्टिंग में कभी कभी कैश प्राइज मिलते हैं आपको, तो आप जाएं खेलने, कैश प्राइज अगर आपको मिलता है तो अच्छा है, क्योंकि वो आपको एक स्पोर्ट में हेल्प करेगा। तो ये मुझे कुछ एक महीने के लिए हेल्प करेगा, ये आपको भी हेल्प करेगा। कैश इसलिए आपको दिखा रहा हूँ, ये नहीं कि मैं जीता हूँ, बट यस आपको कैश प्राइज मिलता है पावर लिफ्टिंग स्पोर्ट में अगर आप अच्छे हो तो। हेलो गाइस वेलकम बैक, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज का वीडियो ज़्यादा कुछ इंटरेस्टिंग नहीं होने वाला, बस कंपटीशन का फीडबैक देना था। मीट आपको मालूम है, आप लोगों ने मेरा लिफ्ट देखा था, बहुत ख़राब था। मैं खुद अप्रिशिएट नहीं करता हूँ ऐसा लिफ्ट को, बट बेस्ड ऑन द कंडीशन की जैसा कंडीशन था वहाँ पे लिफ्टिंग का प्लेटफॉर्म का, और इतना लॉन्गेस्ट आवर ऑफ ट्रेनिंग आप बोल सकते हो, लॉन्गेस्ट आवर ऑफ कॉम्पिटिशन मेरा आज तक का। मैं 1 ईयर से कम्पीट कर रहा हूँ, बट स्टेट 12 आवर्स कम्पीट करना, लिफ्ट करना बीच बीच में, दैट वॉज नॉट पॉसिबल। और स्लीप फूड, क्योंकि 12 घंटे तक मैं कुछ खा भी नहीं सकता हूँ गाइस, बिकॉज मैं अगर फूड इंटेक करूँगा तो मे भी मुझे वॉमिट और कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मुझे हेवी लिफ्ट करना है। सो दोज 12 आवर्स मैं सिर्फ क्रिएटिन EAA और बनाना, क्योंकि लाइट फूड जो हो और ज़्यादा वाटर इंटेक, तो पानी पी के एक समझ लो मैं कम्पीट कर रहा था। ऊपर से बेंच करने के टाइम पे मुझे सेकंड लिफ्ट मेरा सही था, बट मेरा ट्राई था 130 करने का, 125 बहुत इजी हुआ था, मुझे मालूम था मैं 2-3 रेप लगा चुका हूँ उस पर, बट अपने आप को ज़्यादा पुश नहीं कर रहा था और शोल्डर पेन की वजह से भी मैं ज़्यादा पुश नहीं किया। डेडलिफ्ट का अगर मैं बोलूँ तो डेडलिफ्ट लास्ट 2 अटेम्प्ट फेल हुआ लॉकआउट की वजह से, मे बी एनर्जी मेरे पास नहीं था, लेकिन लॉकआउट हो जाना चाहिए था। सेकेंड लिफ्ट ही लॉकआउट हो जाता, बहुत ज़्यादा पुल कर चुका था मैं, बस लॉकआउट करते समय मेरा बॉडी पीछे तरफ पुश हो गया, अगर मैं जानता था अगर मैं लॉक करूँगा मैं गिर जाऊँगा, दैट्स वाई मैंने वो बार को छोड़ दिया। एंड स्क्वाट को लिया जाए तो स्क्वाट आप लोगों ने देखा मैं 70 kg का वॉर्म किया, उसके बाद वॉर्म का टाइमिंग नहीं दिया उन्होंने, वो डाइट स्टार्ट कर दी कॉम्पिटिशन। तो 70 के बाद डाइट मुझे 180 करना पड़ा, 180 देखोगे मेरा 195 से बहुत मतलब स्लो मूव हुआ, क्योंकि वो मैं वॉर्म किया ही नहीं, डाइट 180 का लोड लिया और करना पड़ा। और द थिंग वॉज हमारे जिम में ऐसा स्क्वाट रैक है, वैसा हाइट पे स्क्वाट रैक नहीं था, बहुत नीचे था। तो आप गेस करो अगर आप नी अगर आप क्रैप बैंडेज बांधे हो पैर में और जब आप झुक रहे हो तो ऑफकोर्स आपको वो झुकने नहीं देगा, बट उसके बावजूद भी नीचे जाके झुक के लोड उठाना वो और एक टफ हो गया था, क्योंकि वो ग्रू सेट नहीं होता आपके पीछे में। अगर मान लो ये बार अभी परफेक्ट साइज में, तब मैं आराम से ऐसे उठा सकता हूँ, बट अगर ये यहाँ पर रहेगा तो मुझे यहाँ से उठाना पड़ेगा, तो क्या होगा इसमें ज़्यादा एनर्जी भी लगेगा, लोअर बैक में भी ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा और ग्रुप सेट नहीं होगा तो मुझे पीछे जाके, क्योंकि मैं 195-200 kg आराम से ऐसे मूव नहीं कर सकता हूँ। एक बार ग्रुप सेट हुआ उसी ग्रुप में मुझे पूरा लिफ्ट कम्प्लीट करना पड़ेगा, सो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू लिफ्ट ऑन दोज कंडीशन। और मैं सुबह अभी जस्ट एक दिन पूरा रेस्ट किया हूँ, ये सेकेंड डे है आज वेडनेसडे, आज सोचा हूँ मैं आज से थोड़ा लाइट ट्रेनिंग स्टार्ट करूँगा, इसलिए मैं कपलिंग थेरेपी करा गया हूँ आज सुबह सुबह, आप देख सकते हो। और बैक में देखोगे आपको ज़्यादा ब्लैक मार्क्स नहीं मिलेगा, बट इफ़ यू कंपेयर इन दिस पार्ट आप देख सकते हो यहाँ पर कितना ब्लैक डॉट्स है। दीज ऑल द मसल टिश्यू जो मुझे बेंच करते समय, और ये कुछ वीक से जो मेरा पेन कर रहा था, सो आई कैन फील नाउ, अभी कुछ पेन नहीं है गाइस, दैट इज़ ओके। एंड देखते हैं बेंच का सेशन के बाद कैसा फील होता है, इसलिए गाइस कपलिंग थेरेपी बहुत ज़रूरी है। मैं लास्ट 15-20 दिन से जो स्ट्रगल कर रहा था, मे बी अगर ये चीज़ मैं कॉम्पिटिशन के पहले करा देता तो कॉम्पिटिशन में 130 kg दैट वॉज ईजी, बट मैं कराया नहीं, मैं सोचा कॉम्पिटिशन से आने के बाद कराऊंगा, बट कॉम्पिटिशन से आने के बाद पेन वॉज बहुत ज़्यादा पेन था, सो मैं आज कराया हूँ सुबह, तो अभी तो ठीक है, अभी हाथ मूव होने में भी और
कुछ भी करने में प्रॉब्लम नहीं हो रहा। लेट्स सी एक्सरसाइज करने पे कैसा फील होता है। अभी मैं ज़्यादा हेवी लोड नहीं करूँगा, आई विल स्टार्ट फ्रॉम 60%। जैसे मेरा अगर 130 kg वन रन है तो मैं उसका 60% से स्टार्ट करूँगा, थोड़ा वॉल्यूम ट्रेनिंग करूँगा, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम है दिसंबर एंड या जनवरी फर्स्ट वीक जो नेशनल होने वाला है जमशेदपुर में सुब्रतो क्लासिक रॉ। सो उसके लिए मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ अपने आप को, और बीच में कुछ मीट आया तो देखेंगे, बट मैक्स आउट नहीं करूँगा। मेरा मैक्स आउट मैं बचा के रखूँगा सुब्रतो क्लासिक के लिए, बिकॉज दिस मीट मुझे अपना नंबर बहुत अच्छा करना है, क्योंकि ये नेशनल होगा तो गाइस पूरे इंडिया से एथलीट आएंगे। सो यहाँ के जैसा मैं नहीं कर सकता हूँ, दिस टाइम आई हैव टू मेक माई स्टैंडर्ड थोड़ा ऊपर, और लेट्स सी कैसा होता है। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, बस मुझे अपडेट कर देना था अपना जो भी ट्रेनिंग नया ट्रेनिंग होने वाला है। ऑल्सो गाइस ये कॉम्पिटिशन में 10,000 कैश प्राइज भी था, मैं आप लोगों को बताया नहीं लास्ट वीडियो में, बट 10,000 कैश प्राइज मुझे रिसीव हुआ विद द टाइटल ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट मैन ऑफ झारखंड 2021। सो दिस वॉज इट गाइज, दिस वॉज द अचीवमेंट रिसेंट कॉम्पिटिशन से। अब नेक्स्ट कॉम्पिटिशन के लिए तैयारी करते हैं, स्ट्रॉन्ग और बनना है, थोड़ा थोड़ा जो जो मिस्टेक किए उस पर ध्यान देना है और अपना बेस्ट देना। तो गाइज मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय।